हमारे सनातन धर्म में तीज त्योहार पर्व का नाम सुनते ही हमारा मन कितना उत्साहित, प्रफुल्लित और आनंदित हो जाता है। हमारे यहाँ कोई त्योहार जैसे दीपावली लक्ष्मी जी की पूजा का, मासिक संक्रांति आती है सूर्य की पूजा का, होली आती है होलिका पूजन का, तो हर त्योहार कुछ ना कुछ अपनी एक विशेषता लेकर के आता है। हमारे इसी सनातन धर्म में एक त्योहार आता है जिसको हम लोग कहते हैं रक्षाबंधन। रक्षाबंधन भाई और बहन के, ब्रदर और सिस्टर के पवित्र प्रेम को यह निरूपण करता है, यह रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन के त्योहार के समय जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो बदले में उससे वह उसकी सुरक्षा चाहती है, उसकी रक्षा चाहती है, ऐसी बहन कामना करती है। ऐसा ही सुंदर पर्व साल 2024 में भी आया है और आज हम बात करेंगे, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे साल 2024 में एक्चुअली रक्षाबंधन कब है और उनका मुहूर्त क्या होना चाहिए, क्या भद्रा का समय रहेगा और रक्षाबंधन राखी बांधने के नियम क्या है, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए रक्षाबंधन का मुहूर्त क्या रहेगा, भद्रा आदि पर हम अंत में चर्चा करेंगे, उसके पूर्व रक्षाबंधन कैसे किया जाना चाहिए इसको समझना बहुत आवश्यक है। आइए उसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि रक्षाबंधन राखी बांधने की एक्चुअल विधि क्या है। जब भी आप रक्षाबंधन कर रहे होते हैं यानी राखी बांध रहे होते हैं तो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले सबसे पहले आपको अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता, अपने पितृ देवता, घर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, मेन एंट्रेंस है वहां पर, और कंप्यूटर आदि स्टेशनरी को भी राखी बांधना चाहिए। ये भी उतना ही महत्व रखते हैं क्योंकि ये भी आपकी सुरक्षा करते हैं। जिस तरह आपका भाई एक बहन की सुरक्षा करता है तो ये सारे भी हमारी रक्षा करते हैं, तो इनको भी राखी बांधना ही चाहिए। हम राखी बांधने की विधि क्या है इसको समझते हैं। जिस दिन रक्षाबंधन का पर्व हो यानी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि हो, उस दिन भाई अपने घर पर, बहन अपने घर पर, या बहन अगर एक दिन दो दिन पूर्व ही भाई के घर पर आ गई हो, तब भी प्रातः काल सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर के, क्योंकि पूर्णिमा तिथि है तो व्रत भी रखना है, इस दिन के व्रत का बहुत ज्यादा महत्व है, तो व्रत आदि रखने के अलावा आपको इस दिन सूर्य भगवान को सुबह उठते ही जल देना है। प्रातः सूर्य भगवान को अर्घ दे, जल दे, स्नान आदि अपने पूजा पाठ से निवृत्त हो जाए और अब जब भी शुभ मुहूर्त हो उस समय राखी आपको बांधना है। राखी जब बांध रहे होते हैं तो इस बात का ध्यान दीजिए, आजकल एक फालतू सा चलन चालू हो गया है कि लोग जब रक्षाबंधन कर रहे हैं, राखी बांध रहे होते हैं तो लोग होटल में हैं, बाहर मनोरंजन स्थान पर जाते हैं। हमने इस त्योहार की पवित्रता को कितना बिगाड़ दिया है। रक्षाबंधन हमको कहाँ करना चाहिए, राखी कहाँ बांधनी चाहिए? राखी हमको हमारे घर के मंदिर के अंदर, अगर आपके घर का मंदिर उतना बड़ा है तो उसके अंदर, अदरवाइज जो घर के मंदिर होता है उसके सामने बरामदा होता है, हॉल होता है, खुली जगह होती है, वहां पर बांधे। लेकिन ऐसी जगह बांधे जहां आपको आपके ठाकुर जी का दर्शन हो, आपके घर के जो देवी देवता है, मंदिर है, उनकी साक्षी में आपको राखी बांधना है, क्योंकि यही आपकी 365 दिन रक्षा करते हैं। इसके बाद रक्षाबंधन के बाद आप उत्सव मनाने के लिए रात्रि में या कभी आप बाहर अगर खाना भोजन लेने जाना है तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन रक्षाबंधन तो घर में ही होनी चाहिए। अपने घर के देवी देवता पितृ है, अपने घर के मंदिर के देवता है, उनकी साक्षी में ही आपको रक्षाबंधन करना चाहिए। जब आप रक्षाबंधन करते हैं तो भाई और बहन को पूर्व और पश्चिम अपोजिट फेस करना होता है। जैसे मैं अभी बैठा हूँ, मेरे सामने जो दीवार है ये पश्चिम है, तो मैं और आप जहाँ देख रहे हैं आपके सामने पूर्व की दीवार है, तो बहन को अपोजिट बैठना चाहिए। भाई का फेसिंग, भाई का मुख रक्षाबंधन करवाते समय पूर्व की दीवार की तरफ होना चाहिए और बहन का मुख पश्चिम की दीवार की तरफ होना चाहिए। दक्षिण और नॉर्थ को, दक्षिण और उत्तर को टोटली अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग रक्षाबंधन के समय। तो पूर्व और पश्चिम में आप मुख करें, आसन लगा करके बैठे और मुंह आदि धो करके शुद्ध होकर के रक्षाबंधन आपको करनी चाहिए। रक्षाबंधन में सबसे पहले कौन राखी बांधेगा? देखिए, अगर आपकी सबसे बड़ी बुआ हो या फिर आपके घर की जो सबसे बड़ी सुहासनी है तो सबसे पहला अधिकार तो उन्हीं का है, तो सबसे पहले आपकी बुआ, उसके बाद आपकी बड़ी बहन और फिर आपकी क्रमशः सिस्टर्स, वो आपको एक दूसरे के बाद राखी खिलाएंगी और राखी खिलाने के बाद मिठाई की बजाय मुझे लगता है गुड़ आपको खिलाना चाहिए, जो देसी पारंपरिक चीज है, गुड़ खिला करके अपने भाई का मुंह मीठा करें और बदले में जब बहन भाई को राखी बांधती है तो भाई
को बदले में, राखी बांधने के बदले में अपनी बहन को एक गमला देना चाहिए, तुलसी का कुंडा है या कोई भी कुंडा, कोई भी झाड़ पौधा दे, ताकि हम अपने पर्यावरण की भी रक्षा कर सके। आइए अब हम जानते हैं साल 2024 में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। पूर्णिमा, तिथि, भद्रा, इन आदि पर विस्तार से चर्चा करते हैं। रक्षाबंधन आती है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को, तो साल 2024 में यह पर्व कब आएगा इसको समझते हैं। सबसे पहले पूर्णिमा तिथि को अगर हम देखें तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 18 की रात 19 की सुबह, यानी 18 की रात 19 की सुबह अगस्त 2024 को रात्रि के 3:05 और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी 19 अगस्त 2024 को रात्रि के 11:55। तो शास्त्रीय आदेश करता है कि रक्षाबंधन जो है वो पूर्णिमा तिथि में भद्रा रहित मध्यान्ह काल में ही होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं इस दिन भद्रा है क्या। हाँ जी, भद्रा इस दिन रहेगी। तो भद्रा कब है इसको समझते हैं। भद्रा प्रारंभ जो हो जाएगी रविवार, यानी 18 की रात 19 की सुबह 19 अगस्त 2024 को रात्रि के 3:05 और भद्रा समाप्त होगी सोमवार 19 अगस्त 2024 को दोपहर के 1:33। तो 19 तारीख को दोपहर के 1:33 तक भद्रा है। तो इस समय जब तक भद्रा का समय है तब तो आप रक्षाबंधन कर ही नहीं सकते हैं। और शास्त्र ये आदेश करता है कि रक्षाबंधन कब करनी चाहिए। रक्षाबंधन हमको करना चाहिए पूर्णिमा तिथि में अपराह्न काल में भद्रा रहित समय को। तो यह मुहूर्त साल 2024 में कब है इसको समझते हैं। तो रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह रहेगा सम्मत 2081 श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि सोमवार 19 अगस्त 2024 को। इस दिन अगर हम दोपहर के भद्रा के बाद के समय अपराह्न काल को हम देखें, दोपहर के 1:43 से शाम के 4:20 और उसके बाद प्रदोष काल में यदि आप मुहूर्त रक्षाबंधन करना चाहे तो शाम के 6:56 से 9:08 ये शुभ मुहूर्त है। ध्यान दीजिएगा, जब आप रक्षाबंधन कर रहे होते हैं तो चौगड़िया आदि का महत्व नहीं होता। चौगड़िया बहुत छोटी चीजें करनी होती उनके लिए काम का है। रक्षाबंधन जैसे पर्व के लिए तो हमें अन्य शुभ मुहूर्त ही ढूंढना चाहिए। इसके अलावा एक मुहूर्त मैं आपको और बताता हूँ, लेकिन ये इमरजेंसी के रहिएगा। इमरजेंसी यानी जैसे अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, यदि आप आर्मी में हैं, फौज में हैं, तो शास्त्र ऐसी आदेश करता है कि भद्रा के मुख के काल को छोड़ करके भद्रा का जो पूंछ का समय यानी पीछे का समय है उस समय हम लोग रक्षाबंधन कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। तो अगर आप ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो आप इस दिन यानी सोमवार 19 अगस्त 2024 को प्रातः 9:55 से सुबह 10:54 को आप इमरजेंसी होने पर रक्षाबंधन कर सकते हैं। तो ये था साल 2024 में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त, और आप सभी को इस रक्षाबंधन के पावन पर्व की मंगलमय शुभकामना। हमारा सनातन धर्म, हमारा भारत देश त्योहारों का देश है, तो साल भर कोई ना कोई त्यौहार चलते ही रहते हैं, लेकिन यह पर्व भाई बहन के प्रेम को प्रेषित करता है। इसलिए समस्त विश्व की मेरी बहनों को मेरा नमन इस रक्षाबंधन पर, उनको प्रणाम। और हमारा सनातन धर्म, हमारा राष्ट्र सुखी रहे, मंगलमय रहे, ऐसी कामना आप सभी से। जय श्री कृष्ण।